Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I will teach you maths of class 5th. And today we start chapter 4, multiplication of large numbers. And today we do exercise 4.1. Let's see. This is your maths book, maths of class 5th. This is the chapter number 4, multiplication of large numbers. Exercise 4.1, page number 29. Fill in the blanks. ये एक्सरसाइज बच्चों हमें बुक में ही करनी है, तो देखिए आप बुक में ही फिल करेंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये टू नंबर्स हैं और ये इक्वल के बाद यहाँ पे वन नंबर है, तो ये नंबर इस नंबर से मैच करता है, तो इसको उल्टा कर दिया हमने, यानी 31 पहले और ये नंबर अब पीछे चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 412। इसी तरह से देखिए इस नंबर का मल्टीप्लाई हम जीरो में करेंगे तो बच्चों जीरो, जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम जीरो में करते हैं तो आंसर जीरो ही होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे थ्री नंबर्स हैं बच्चों, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम नंबर को आगे पीछे लिख दें और मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आंसर सेम ही होगा, यानी कि हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 42 है, 42 लिखा हुआ है, 36 ये भी लिखा हुआ है, अब ये 216 यहाँ पर नहीं है, तो ये नंबर हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसका टेबल हमें वन टाइम करना है, जब किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आंसर में आता है, यही नंबर हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जीरो कब आता है बच्चों, जब हम नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो यहाँ जीरो आएगा, और सेम नंबर कब आता है, जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको याद रखना है, जीरो कब आता है जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है, और सेम नंबर कब आता है जब वन से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये टू नंबर्स हैं और यहाँ वन नंबर है, तो हमने इनको आगे पीछे कर दिया, तो देखो ये नंबर सेम है, अब ये नंबर हम यहाँ लिख देंगे 923। अब ये देखिए ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है ये दो नंबर और ये नंबर ब्रैकेट से बाहर है, तो जब हम बच्चों ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो 28 और पहले हम 41 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे किया हुआ है, फिर प्लस लगा दिया, अब 41 को छुपा दो आप, अब 28 और 23 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दो नंबर हम यहाँ लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। तो एक्सरसाइज 4.1 इज़ कम्प्लीटेड। Thank you. Have a nice day.